कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं, वह भी तब जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। नागरिकों को इसके प्रति जागरूक करने का बीड़ा सर्वहित कल्याण सेवा समिति, जिला गंगा समिति और BDS स्कूल ऑफ लॉ ने उठाया है। गोष्ठी में समाज को एक नया संदेश और दिशा देने की पहल की गई, साथ ही पौधारोपण की मिसाल भी पेश की गई। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत BDS स्कूल ऑफ लॉ के अलावा आज सर्वहित संस्था और मीनाक्षीपुरम विकास समिति ने कॉलोनी में पेड़ लगाने का संकल्प लिया। इससे पूर्व DFO राजेश कुमार ने देश के PM नरेंद्र मोदी के इस संदेश को आगे बढ़ाया कि हमें पौधे अपने परिजनों के जन्मदिन पर और उनके नाम पर अवश्य लगाने चाहिए, विशेष रूप से एक पौधा माँ के नाम। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पौधे सिर्फ लगाएं ही ना, उनकी देखभाल भी करने का दायित्व तो हमारा है। जागृति विहार स्थित BDS स्कूल ऑफ लॉ में आयोजित संगोष्ठी को DFO राजेश कुमार ने संबोधित करते हुए यह कहा। और मंच पे आसीन DIG साहब और बाकी अतिथिगण, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने वेट किया और इस तरह के प्रोग्राम को यहाँ पे आयोजित किया। डॉक्टर मधु ने बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई है कि तीन चीज़ों को जोड़ा है, गोरैया, गाय और हमारा वृक्षारोपण। देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में पहले से चली आई हैं, हमारे जादूगर सम्राट जी भी हैं, बाकी लोगों को भी मैं स्पेशली जानता हूँ, तो सभी लोग अपने अपने एरियाज में अच्छे से कार्य कर रहे हैं, चाहे पुलिस से रिटायर्ड लोग हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, सभी एरियाज में काम करते हैं। मेरा बस आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इस बार का जो वृक्षारोपण है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम, बेसिकली उनका उद्देश्य ये है कि आप उससे आत्मीयता के साथ जुड़े, केवल पेड़ एक दिन आपने लगा दिया उसको छोड़े ना, माँ के नाम पे लगाएंगे तो एटलीस्ट आप उसको बचा के रखेंगे। केवल माँ के नाम पे नहीं, आपके बच्चों के जन्मदिन हो सकते हैं, आपका खुद का जन्मदिवस हो सकता है। रही बात स्पेस की अवेलेबिलिटी, स्पेस की अवेलेबिलिटी हमारे घरों में भी होती है, घर के आसपास हमेशा बनी रहती है, वो हम बस अनदेखा करते हैं, चाहे वो दो पेड़ों की वहाँ पे जगह स्थान है, चाहे 10 पेड़ों का है, चाहे 100 पेड़ों का है, आपके आसपास में पक्का इस तरह का स्थान अवेलेबल होगा जिसमें आप पौधारोपण इस वर्ष कर सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा जो यहाँ पे लोग हैं, आप अपने परिवारों के साथ एटलीस्ट इस वर्षा काल में जितने परिवार के मेंबर्स हैं उतने पेड़ अवश्य लगाएं, और उसको बचाने के लिए जैसे परिवार में आप इकट्ठे रहते हैं, बच्चे को तो बहुत केयर करनी पड़ती है, जो पौधा एक बच्चा है उसको केवल दो चीज़ें चाहिए, समय से पानी चाहिए, पानी भी हर टाइम नहीं चाहिए। इस सीजन में आप देख रहे हैं बरसात बहुत अच्छी हो रही है, जब बरसात का सीजन नहीं होता है उस समय थोड़ा सा उसको पानी की आवश्यकता होगी, थोड़ा वो खाद मांगता है कभी कभी ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, और उसकी हैबिटेट जहाँ पे भी उसको लगाया गया है उसकी फेंसिंग या उसका सुरक्षा आवारा पशुओं से या बाकी कोई नुकसान ना करे, ये तीन चीज़ें छोटी सी मांगता है। बच्चे तो हमें बड़े करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जतन करने पड़ते हैं, आप इतना भी कर देंगे तो वो पौधा बहुत अच्छे से उगेगा और आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी, आप कोई भी पौधा लगाएंगे और उसको आप यूटिलाइज कर पाए अपने लाइफ टाइम, नो डाउट उसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद 15 साल बाद जब वो परिपक्व हो जाएगा तब दिखाई देगा। जैसे आपने मान लीजिए अमरूद का पौधा लगाया तो उसमें अमरूद का फल आने में समय लगेगा, लेकिन आप उसको बड़ा होते हुए देखेंगे, उसको उसके साथ जुड़ेंगे और उसके बाद जब अमरूद आएंगे आप खुद भी खाएं और अपने आसपास में भी खिलाएं, या कोई भी पौधा आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, आप बड़े बड़े पॉट्स अपने घरों में रखते हैं ये सजाने के लिए, उसमें ऐसे पौधे लगाएं जिसमें चिड़िया या बाकी जो जीव जंतु हैं वो रह सकें और आपको देखने में भी अच्छा लगे। जैसे गुड़हल का पौधा है, आप नॉर्मली किसी बड़े पॉट में लगा सकते हैं, सीधा सीधा बढ़ता है, आपका वातावरण भी अच्छा रहेगा, उसमें आपको सनबर्ड देखने को मिल जाएगी, छोटी सी चिड़िया होती है, आप अपने घर में लगाइए और देखिए कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ है, बोगनविलिया है, नो डाउट एग्जॉटिक है, हमारे यहाँ का नहीं, हमें लोकल स्पीशीज लगानी चाहिए, बट आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं ताकि चिड़िया का आवाज़ उसमें बने और जो फ्लावर्स आएंगे आपको अच्छा लगेगा। बाहर का स्पेस है,
आपका जैसे पार्क है, पार्क में नीम के पेड़ अब कम हो गए हैं या पीपल सिल्फन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। हम पार्क में ग्रास लगा देते हैं, पेमेंट बना देते हैं, छोटे छोटे फाइकस के जो ऑर्नामेंटल टाइप है वो लगा देते हैं, वो ठीक है देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर बीच बीच में हम पौधे लगा पाए तो मेरा वही अनुरोध रहेगा जहां पर भी आप रहते हैं एटलीस्ट उतने पेड़ जरूर लगाएं जितने फैमिली मेंबर्स हैं। एक पेड़ अगर आप पूरे लाइफ टाइम में लगा देंगे तो आप जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका ऋण चुका पाएंगे, अगर ज्यादा लगा पाए तो अपने पितरों का भी ऋण चुका पाएंगे, बच्चों का भी ऋण चुका पाएंगे। तो ये चीज जरूर करें। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सेंसिटिविटी बढ़ी है नो डाउट, और सभी सेंसिटिव हुए हैं, लेकिन और थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। सरकार अपने लेवल पे प्रोग्राम करती भी है और सरकार बहुत पुश कर रही है कि सभी लोग इसमें जुड़े, चाहे वो डिपार्टमेंट्स को जोड़ना हो, जनप्रतिनिधियों को जोड़ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें प्रधानों से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तक सीधा संवाद करते हैं, केवल वृक्षारोपण के लेके। केवल वृक्षारोपण ऐसा बिंदु है जिसमें वो डायरेक्टली सबसे संवाद करते हैं। तो आप जरूर करें, कहीं भी आपको मदद की आवश्यकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरीज में आप जा सकते हैं। आप जन्मदिवस अपना बता के कि मेरा जन्मदिन है, आप फ्री में पौधा भी ले सकते हैं। फ्री में नहीं भी ले रहे हैं, आपको अगर पैसे से ही लेना है, बहुत ही नॉमिनल गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, आपको आसपास सरकारी नर्सरी नहीं भी मिल रही है, आसपास में प्राइवेट नर्सरीज होंगे, बहुत उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, आप जाएं अपने चॉइस का पौधा अपने घर में लगाएं और बड़ा करके उसको दूसरों को भी दिखाएं। आपकी किटी पार्टीज होती है, आपके आसपास में समाज की बैठकें होती हैं, उसमें जरूर दिखाएं। और हमारे सम्राट जी तो हर जगह पर्यावरण की बात करते ही रहते हैं, इनको दो तीन बार मैंने देखा भी है। तो जिस क्षेत्र में आप जुड़े हुए एटलीस्ट लोगों को आप जोड़ें और आगे इस चीज को बढ़ाएं। जीवन पेड़ों से, पानी से, इन्हीं से चल रहा है। अभी इस हॉल में हम बैठ पा रहे हैं, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से आ रही है, हमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ रहा है, एसी के लिए चार्ज देना पड़ रहा है, एसी हमने खरीदा होगा, लाइट का पैसा जाएगा, बिल जो है प्रोफेसर साहब हमारे पे करेंगे ताकि हमें सुकून मिले। पौधे लगाने में तो कुछ पैसा नहीं लग रहा है, आपको देगा ही देगा, और आप अपने बच्चों के साथ लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसको और प्रोपोगेट करें अपने एरियाज में। मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का धन्यवाद पुनः कि आप लोगों ने वेट किया और एक ऐसा आयोजन रखा। आप आगे भी इस चीज को आयोजन को करें, अलग अलग जगह पे करें और सभी लोगों को जोड़ें ताकि ये कारवा आगे बढ़े। काफी सारे लोग मेरठ में बहुत जागरूक हैं, अच्छा कार्य करते हैं, बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन हो पाता है। आप लोग अच्छा कार्य करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। मैं विभाग की ओर से आपसे चाहूंगा कि आप लोग इस साल के प्लांटेशन में 2024 में वर्षा काल स्टार्ट हो गया है, आप कल परसों से ही इस चीज को स्टार्ट करें। आप अपने कॉलोनी में बृहद रूप से सभी को जोड़ते हुए, संडे का दिन है कल, कल से स्टार्ट कर सकते हैं, उनके साथ जुड़े और जो पौधे उनकी पसंद के होंगे भाई क्या लगना चाहिए कंसेंसस के हिसाब से कम्युनिटी लैंड में लगाएं। अब कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा ने नक्षत्र वाटिका लगाने पर जोर दिया और उन्होंने यह कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने BDS स्कूल ऑफ लॉ में आकर के अपनी उपस्थिति से हमें धन्य किया। और क्योंकि प्रोग्राम की रूपरेखा सिर्फ कल शाम को ही बनाई गई और कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं, सभी समर वेकेशन पे टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, इसलिए थोड़ा अटेंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन आपकी गलेमाना जो उपस्थिति है उसे देखिए वातावरण कितना अच्छा है और आपने बारिश भी कराई। देखिए आप ये संरक्षण है, आपकी जो सब इच्छा है वो इससे प्रतीत होगी कि भगवान ने आपका स्वागत किया है। और साथ ही मैं बात और बताऊँ आपको कि जो ये पेड़ है, पेड़ों की तुलना हम शिव से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भगवान शिव ने इस दुनिया को बचा करके क्या किया था, विष दिया था, और जो धरती पर विष है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कौन पीता है, पौधे पीते हैं। तो भगवान शिव से इनकी तुलना की जा सकती है पेड़ों की, क्योंकि वो जहर रोटी करके हमें जिंदगी देते हैं। आपको पता है कि शास्त्रों में जो उल्लेख किया गया है पेड़ों का, वो जितने हम नष्ट, कोई भी आदमी हर नक्षत्र में पैदा होता है और इस धरती पर जो भी आदमी पैदा हुआ 27 नक्षत्र जो होते हैं उनमें से किसी में ना किसी में वो पैदा होता है और हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है। जैसे अश्वनी नक्षत्र है उसमें जो उचाला का पेड़ है वो उसका शानी होता है, धनी नक्षत्र का आंवला होता है, कृतिका नक्षत्र का धूलर होता है, रोहिणी नक्षत्र का जो जिस जातक में हो
बॉन्ड नक्षत्र में पैदा होते हैं उन्हें जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो उसका शादी होता है। वृक्षिरा नक्षत्र का कत्थे का पेड़ होता है। आद्रा नक्षत्र में जो पैदा होता है उसे कृष्ण कमल की पूजा करनी चाहिए। पुनर्वासु नक्षत्र का जो मालिक होता है वो बबूल का पेड़ होता है। पुष्य नक्षत्र का पीपल का पेड़ होता है। अश्लेषा नक्षत्र में चंपा का वृक्ष उसका शामिल होता है। और माघ मगा जो नक्षत्र में पैदा होता है बरगद का पेड़ उसका शामिल होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो है अशोक का पेड़ उसका शामिल होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उन्हें खेजड़ी का एक पेड़ होता है उसकी पूजा करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र में चमेली का पेड़ उसका शामिल होता है। चित्रा नक्षत्र में बेल का पेड़ उसका शामिल होता है। स्वाति नक्षत्र में अर्जुन का पेड़ उसका शामिल होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो मूल नक्षत्र भी कहे जाते हैं उसका जो है नीम का पेड़ शामिल होता है। पूर्वा साड़ा जो अध्यक्ष वो है नक्षत्र उसमें अशोक का वृक्ष होता है। उत्तरा साड़ा नक्षत्र का कटहल का पेड़ उसका शामिल होता है। और घनिष्ठा नक्षत्र जो है शनि का पेड़ जिसमें शनि शनिवार के लिए पूजा की जाती है। सत्पीता नक्षत्र जो है उसमें कदम का पेड़ होता है जिसमें श्री कृष्ण जो है कदम के पेड़ के नीचे रहते थे। उत्तरा भद्रा जो भद्रा पद जो नक्षत्र है उसका नीम होता है। इसी प्रकार जो है आम का पेड़ जो है पूर्वा भद्र जो नक्षत्र है उसका शामिल होता है। देवती नक्षत्र में महुआ का पेड़ उसका शामिल होता है। तो अब देखिए ये क्यों जोड़े गए होंगे तो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया होगा क्योंकि धर्म के साथ जब किसी चीज को जोड़ दिया जाता है तो उस पर काम ज्यादा होता है। अब देखिए पीपल के पेड़ को जरूर जो है दिया जलाएंगे जाकर के क्योंकि कहां कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है तो हम प्रकृति से डरे हैं क्योंकि जो हम इसे देंगे वो कई गुना लौटाकर हमें वापस देगी। आपने कोरोना में देखा भी होगा जो चीज हम इसे देंगे वो हमें कई गुना देगी। ये प्रकृति की ताकत है और ये प्रकृति का बिल्कुल अपना गुण है। तो इसलिए जैसे माँ गंगा 2500 किलोमीटर तक जो है रन करती है करोड़ों लोग उसकी गोद में समाये हैं और करोड़ों लोगों को उनको जो है वो जीवन देती है और जाकर सुंदर वन में पूरा डेटा जो है हो जाता है वहां फैल गई है। ये सब प्राकृतिक रूप से होता है क्योंकि वहां वन उगाने के प्रकृति को ऑक्सीजन देने की हम लोगों को तो वहां क्या हुआ कि पूरा फैल गया और एक बड़े वन का जो है निर्माण हो गया क्योंकि गंगा जल में बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं इसलिए गंगा जल खराब नहीं होता। जब अंग्रेज यहाँ से महीनों की यात्रा में क्योंकि पहले जल के द्वारा ही यात्रा होती थी समुद्री यात्रा तो एक महीने में लैंड पहुंचते थे तो गंगा जल ही ले जाते थे पीने के लिए और पानी उस टाइम नहीं था। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमको इंडिविजुअली प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे पर्यावरण की संरक्षण कर सकते हैं या ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का जो हम यूज करते हैं उन्हें कैसे करें। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जाती है चाहे हमारा एनजीटी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि हम प्रकृति के संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि जिससे हमारे आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में बचे रहें। वैसे तो मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए यहाँ बुलाया गया था लेकिन मैंने सोचा फिर मैं भी क्यों ना एक दो शब्द कह दूं कि अगर मुझे वैसे तो मैं लोगों का आदमी हूँ मैं इस सब नक्षत्र वगैरह नहीं लेकिन मुझे मुझे जब आदेश हुआ मैडम का क्योंकि हमारी बड़ी बहन भी है और जो है इनका प्रोग्राम है वो सुंदर प्रोग्राम ये कराती हैं तो इसलिए मैं ये सब बोल गया हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए जो है इस मौके पर कार्यक्रम की संयोजिका और पर्यावरणविद डॉक्टर मधु वत्स ने विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति प्रकोष्ठ की टीम की घोषणा की। अनिता पुरी जिलाध्यक्ष जबकि अलका शर्मा को जिला महामंत्री घोषित किया गया। इसके अलावा बुधवार को मीनाक्षीपुरम स्थित अग्रवाल धर्मशाला में संगोष्ठी के बाद पौधारोपण भी किया गया। देखिए जिस संप्रदाय से हमारे मुख्यमंत्री जी निकले हैं उननाथ मंदिरों से हमने धार्मिक पाटिकाएं लगाने का कार्य शुरू किया। एक्चुअली 2018 में मुख्यमंत्री जी ने मुझे गंगा हरिक्रमा सम्मान दिया था तो उसके साथ हमें एक बुकलेट मिली थी वन विभाग से उसमें सारी पाटिकाएं दी हुई वो लिखित में थी। मुझे लगा जो लिखित में है उसको हम ग्राउंड पर उतारते हैं और सारी पौधों की बोटैनिकल नेम सिस्टमेटिक पोजीशन एनवायरमेंटल वैल्यूज मेडिसिनल वैल्यूज सारा हमने क्योंकि बॉटनी से तो मैंने सब निकाला फिर वास्तु के हिसाब से एज ए बींग ए ब्राह्मण हमने उसमें सारा स्टडी किया और इतिहास निकाला और किस डायरेक्शन में कौन सा पेड़ लगना चाहिए कहाँ लगना चाहिए। उन्नाथ मंदिरों में हमने 7 पाटिकाएँ लगवाई जिसमें नवग्रह वाटिका थी नक्षत्र वाटिका थी राशि वन था सप्त सप्तऋषि वन था और कई हरिशंकरी थी
लेकिन आज मेरठ में मैं सुन रही हूँ कि 98 हरिशंकरी लगाई जा रही है। आप जानते होंगे कि तीनों पेड़ बरगद, पीपल और पाखड़, ये हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक है, क्योंकि हर ईश से हमारा एक पेड़ जुड़ा है। जहाँ कहीं भी जब हमने धार्मिक वाटिकाएँ लगवाई नाथ मंदिर में, तो बहुत सारे पुजारी हमारे साथ थे और हर पेड़ को हमने उसके जो उच्चारण के साथ, जो इसका मंत्र होता है ना, उसके साथ इसे रोपित किया, बकायदा उसकी पूजा करी, जैसे किसी मूर्ति की। आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, कि पौधों की भी पीपल कहीं लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये तीन साथ आ जाते हैं तो इनमें ईश्वर का, ये ईश का निवास हो जाता है। तो इस तरह से हमें मीडिया के लोगों को मैं कहना चाहूँगी, कहीं भी गंदी जगह की हमें 98 लगभग नंबर बढ़ाने हैं, लेकिन क्योंकि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का प्रतीक है, तो हमें बहुत ध्यान देना होगा महिलाओं को भी, चाहे हम किसी धर्म, जाति, किसी से भी आते हैं, लेकिन जब ईश्वर की बात है, हम हिंदू हैं, तो हमें देखना होगा। लोगों को लगता है कि ये अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि तीनों पेड़ एक साथ लगाए जाएँ, राशि बल लगाया जाए 12 पेड़, तो भी देखना है कोई शुद्ध जगह होनी चाहिए। भले ही मंदिर, वैसे तो पहले मंदिरों में ही लगाई जाती थी, लेकिन आजकल सार्वजनिक प्लेसेस पे भी लगाई जा रही है चीज़ें। तो नवग्रह वाटिका हमने शुरू करी थी, 9 ग्रहों के साथ हमारे 9 पेड़ होते हैं, जैसे सिंह राशि को ये आग का पेड़ लगाना चाहिए, अशुभ का पेड़ मेष राशि में लगाना चाहिए। तो ये जो हम लोग नग पहनते हैं ना, ये नग पहनना बंद करके अपने राशि से रिलेटेड, यदि हम स्कूल में ये सिखाते हैं बच्चों को, हर एक की राशि होती है, ज़ोडियक साइन होता है, कि जो आपका जोड़ी साइन है, हर वर्ष आप उसका एक पौधा लगाइए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर स्कूल यही चीज़ रोकने लगे, कोई सरकारी चीज़ें नहीं, तो क्या हमारा देश हरा भरा नहीं हो जाएगा? इसीलिए हमने आर्ची कॉलेज में भी लगाया, यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ हमारा टाइप है, DN डिग्री कॉलेज के साथ, आर्ची के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, तो हम लोग वहाँ यही सिखाते हैं, साइंटिफिक डिजाइनिंग ऑफ प्लांटेशन। मेरठ में पेड़ लग रहे हैं, तो आप ये बताइए, मेरठ की ज़मीन, हम मेरठ को ही ले लें, उत्तर प्रदेश को ले लें, तो मेरठ की ज़मीन अलग होगी। यहाँ सौयों साल से जो पेड़ लगे हुए और फ्लरिश हो रहे हैं, तो वो हमारे नेटिव प्लांट हो गए कि नहीं हो गए? नेटिव जो यहाँ के निवासी हैं, तो क्यों ना हमारा फोकस रहे कि हम अपने नेटिव प्लांट्स को लगाना चाहिए, क्योंकि हम वाइकस ला के लगा दें या कोई सफेदा लगा दें, जो हमारा सारा पानी छूट जाए। तो एवरी, देखिए, स्कूलों में अगर हम पेड़ लगा रहे हैं आउटर कैनोपी पे, तो कोशिश करनी चाहिए जिन पेड़ों का फलक बड़ा हो, लेमिना बड़ा हो, क्योंकि डस्ट और SPM को कंट्रोल करता है स्कूल के अंदर। वैसे तो हाईवे पे स्कूल नहीं होने चाहिए, EIA कहता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहता है, हमारी सरकार और हमारे जजेस कहते हैं हाईवे पे स्कूल नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे बड़े स्कूल हाईवे पर हैं, तो क्यों ना हम उनको प्रोटेक्ट करें। एनवायरमेंट जो रोड कैनोपी, रोड एवेन्यू प्लांट्स होते हैं, उन्हीं प्लांट्स को भी हम आप आउटर कैनोपी में लगाएं। आज मेरी इच्छा थी कि मैं DFO सर के सामने ये बात करूं, लेकिन कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए ये लोग व्यस्त हो जाते हैं, और व्यस्त हो भी सकता है हम, तो कोशिश करें। आप लोगों से मैं चाहती हूँ, हिंदू जो हमारी महासंघ है, इसकी महिलाएं अब इससे कम, हमें फोटो ठीक है, फोटो खींचती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने सुना है कभी किसी को पद्मश्री मिला और वो फोटो खिंचाना था? किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के पास ट्रेन से आने के लिए पैसा नहीं है, उसे पद्मश्री मिल रहा है? तो कम से कम मेरे तो वही लोग, मेरे वही लोग आदर्श हैं जो वास्तव में काम करते हैं। तो क्यों ना हम ये सब करें। मेरठ के 70 स्कूलों की जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारी मेंबर है सर्वे के, कोई संरक्षक है, कोई मेंबर, सारे अधिकारी जितने भी हैं सभी को मैंने मेंबर या संरक्षक बना लिया। रवि जी बैठे हुए हैं, बहुत वर्षों से मीडिया में है, मेरे को प्रचार प्रसार देने का काम करते थे, जो मैं बोलती हूँ ना, मुझे लिखित में देना भी नहीं पड़ता, मेरा प्रचार प्रसार हो जाता है। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक बार जब मुझे अवार्ड मिला था, तो मुख्यमंत्री जी के सामने मेरी बस यही इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मुझे 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाए। अधिकारी बोलने नहीं देते, ना सरकार, ना ये नेतागण बोलने देते हैं, लेकिन मुझे 2 मिनट का टाइम मिला है ना, बहुत फ्रिक्वेंसी में मैंने अपनी सारी बात कह दी। तो एक दिन मुझे रोका, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, तो बोलने दीजिए। तो विद इन 5 मिनट्स आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बहुत नॉलेज वाली बात करी मैंने वहाँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा जनरल बात मैं नहीं कर सकती थी, एंड ही अप्रिशिएटेड माई लाइफ एनीथिंग। और उन्होंने मुझे कई बड़ी समितियों का मैं मेंबर भी बनी हूँ। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि मैं बन गई हूँ। अब देखिए, लखनऊ से हमें ऑपरेट करना है, विश्व से हमें
हमें ऑपरेट करना है और हमारे भारत को एक दिशा देनी है महिला, नेतागिरी करके नहीं, नॉलेज से और अपने ज्ञान से अंदर को लेकर। तो इस तरह की धार्मिक पाटिकाएँ हमें रोकनी है, लेकिन अगर ये कहीं नाले के किनारे लगाई जाए तो हमें रोकने का काम करना है, क्योंकि हम सप्तऋषि वन जो मैंने लगाया तो सप्तऋषि वन का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं था, लेकिन हम जो लोग जब छोटे थे और नानी यहाँ जाया करते थे तो छतों पे सोते थे, बहुत बड़ी बड़ी छत होती थी, सारे भाई बहन कजन, तब कजन वर्ड नहीं होता था, ये मेरा भाई ये मेरी बहन, तो हम लोग नक्षत्र देखा करते थे, कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि। तो मुझे लगा हर ऋषि के साथ एक नया पेड़ जुड़ा होगा, तो स्टडी किया तो हर ऋषि के साथ एक पेड़ जुड़ा था, या तो उसने ज्ञान दिया या ज्ञान लिया या मेडिटेशन किया, पेड़ के नीचे ही तो किया, वृक्ष के नीचे किया, उनको चुना गया, सातों ऋषियों की मूर्ति बनाई गई, मूर्ति बना के उनके पास रोपित किया गया। अत्रि ऋषि का इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।